इन दिनों स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में रूपाली गांगुली और मदासा शर्मा के दमदार एक्टिंग की वजह से शो में दोनों के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जहां शो में इन दोनों की एक्टिंग को दर्शक खूब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अनुपमा के किरदार में रूपाली गांगुली और काव्या के किरदार में मदासा शर्मा में से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, किसके डायलॉग्स और अदाकारी को वो खूब पसंद करते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे कि आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को इनमें से किसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट लगती है। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल में अनुपमा का मुख्य किरदार निभा रही खूबसूरत गॉर्जियस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के बारे में। सीरियल में अभिनेत्री रूपाली गांगुली एक अच्छी बहू, माँ और एक अच्छी दोस्त बनकर अपने किरदारों को बखूबी पर्दे पर पेश कर रही हैं, जिसमें इनकी एक्टिंग से लेकर इनकी डायलॉग बाजी, इनका भोला भाला अंदाज और इनकी सिंसियरिटी दर्शकों को अपना दीवाना बना गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल में काव्या के नेगेटिव किरदार को निभा रही बोल्ड एक्ट्रेस मदासा शर्मा भी सीरियल में अक्सर अपनी चालबाजी और शातिर दिमाग से कुछ न कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि सभी घर वालों के साथ साथ अनुपमा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर मदासा के ड्रामेबाजी की वजह से शो की टीआरपी हमेशा हाई होती नजर आती है और इसलिए इनकी खूबसूरती और अदायगी को दर्शक काफी पसंद करते हैं और ये अपने कचरारे नैन और स्टाइल से सभी को अपना दीवाना बना चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल में नजर आ रही रूपाली गांगुली और मदासा शर्मा की एक्टिंग को जहां दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी अनुपमा सीरियल में नजर आ रहे सभी कलाकारों को खूब ज्यादा पसंद करते हैं, जिनसे मिलने के लिए एक बार तो ये अनुपमा शो के सेट पर जा चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मिथुन चक्रवर्ती को मदासा और रूपाली गांगुली में से किसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट लगती है, हम आपको बता दें रूपाली गांगुली इनकी पुरानी फिल्म की एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो वही मदासा इनकी अपनी बड़ी बहू है। हालांकि काव्या के किरदार में नजर आ रही टैलेंटेड एक्ट्रेस मदासा शर्मा की एक्टिंग, फेस एक्सप्रेशन इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें अपनी बहू का ये शो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं रूपाली गांगुली का भोलापन, उनका ग्रहणीय अवतार मिथुन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर चुका है, इसलिए दोनों अभिनेत्रियों को उनकी एक्टिंग और काबिलियत के दम पर एक समान ही मानते हैं। इन्हें अपनी बहू की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है और अपनी को एक्ट्रेस रह चुकी अभिनेत्री रूपाली गांगुली की अदायगी भी बहुत पसंद है, इसलिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को रूपाली गांगुली और मदासा शर्मा दोनों ही एक्टिंग और कलाकारी के मामले में बेस्ट लगती है। तो दोस्तों, आपको अनुपमा सीरियल में नजर आ रही एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और मदासा शर्मा में से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।